मोदी लाल किला में कैसे बोला है, जब मैं दोबारा आएंगे, ये मोदी का देश है ना, जनता का देश है, जनता जिसको चुनेगा, जनता जिसको लाएगा वही आएगा। मोदी कैसे बोल दिया, मोदी कैसे बोला, मोदी कैसे बोल दिया, आपको बोला। वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया। क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है, मोदी सरकार दोबारा आ रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी आएगी, राहुल गांधी जी बिल्कुल, राहुल गांधी आएगा। युवा का ये युवा का युवा नेता चाहिए, डंका बज रहा है, घंटा बजा है, डंका नहीं बजा है, समझ रहे हो? अगर डंका बजा है ना, अगर डंका बजा है ना, शांति सुनो दोस्त, अगर डंका बजा है ना तो उनको बोलो 8 के 8 जवान हमारे वापसी आने चाहिए कतर से। एक तो तरक्की किया है, इतना कभी था डेवलपमेंट था इसका, कभी नहीं था, किसी देश में नाम नहीं था इतना। विकास की अम्मा का ना, मणिपुर में डेली बलात्कार हो रहा है, कौन देखेगा उसको? इजराइल पर तो बोला, हाँ घर में नहीं है जाने, अम्मा चली भुनाने है। हमास में वोट कर दिया उन्होंने मोदी जी ने, हमास का नहीं, फिलिस्तीन का सपोर्ट कराया उन्होंने दोबारा, मोदी जी ने दोबारा, जो है हमेशा जो है ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हुआ है, चाहे कोई देश हो। हिंदुस्तान ने भाई साहब आज तक कभी ना वॉर के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करा और शांति की बात ही करी है, ये पहली बार हुआ जब हमने वॉर के अंदर इंटरफेयर किया है। और इसका खामियाजा आप देखना, जिन लोगों को डिप्लोमेटिक चैनल का नहीं पता उनको ये चीजें नहीं समझ आएंगी, इतिहास हम लोग रीराइट करा के रख रहे हो यार। क्या कह रहे हो सर आप? भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, अरे हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन का साथ खड़ा था और मोदी चला गया इजराइल का साथ। हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पे नहीं किया, मणिपुर में बोला तो था संसद में घंटा, 3 महीने बाद 56 सेकेंड, 56 इंच की और 56 सेकेंड ही बोला, 3 महीना बाद किया भाई, 56 इंच की छाती कहते हैं मोदी जी वहाँ नहीं गए दिखाने, मणिपुर में नहीं गया। और इजराइल को, इजराइल में बोलते क्या वहाँ पे, मिजोरम में सरकार किसकी है? गठबंधन, ठीक है, डबल इंजन की ना। मिजोरम को सीएम क्यों बोला, भैया हमारे यहाँ बताना, हमें भी हरवा दोगे? इस बार कितनी राहुल गांधी सीटें निकालेंगे? 4 स्टेट से तो पक्का निकलने हैं, 4 स्टेट से तो पक्का निकलने हैं, 24 से ही, 24 में भी, 2024 में सेमीफाइनल है। सुनो अभी मुद्दे की बात सुनो, 5 में 3 राज्य ना हिंदी हार्टलैंड है, ठीक है जी, और 3 राज्यों के अंदर ही ना सरकार, स्टेट का नाम पूछ लो, कौन कौन स्टेट है, 4 स्टेट का नाम मैं बता दूं। हाँ बताओ, 5 स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, 5 राज्य बता दिए। कर्नाटक बोल गए? नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश में थोड़ा सा दिक्कत होगी, मध्य प्रदेश आप गलत बोले हैं, मध्य प्रदेश इसलिए गलत है कि उसमें बीजेपी ही आ सकती है, 90% बीजेपी आ सकती है, नहीं इसलिए हम गई, इसलिए क्योंकि उनका वहाँ चांसेस है, जो वहाँ नहीं है। आप मेरे से नंबर ले लो भाई साहब, मुर्दा वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, मुर्दा वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, मरेगा ही। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का नाम लिया और सब मामा 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 वापसी करेंगे, कारण है वहाँ पे सर्वे जो हुआ है, आप मीडिया में हो, सर्वे कर लो, ठीक है ना, मेरे भी रिलेटिव सर्वे में है, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है सर्वे वहाँ का, तो उस सर्वे से ही पता चला है जो कि वो निकल के आ रही, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम लिया, और कोई बात नहीं, सुनो, और कोई बात नहीं। नेशनल पिलर देख रहे हो? नहीं देखते। सुनो देखो, एक एक गांव का सर्वे करा उन्होंने, मीरा राजपूत है उसमें एंकर, एक एक गांव का सर्वे करा नेशनल पिलर एमपी के अंदर, किसी एक जगह नहीं आ रही है कांग्रेस, और नेशनल मीडिया भी दिखा रही है कांग्रेस, ठीक है। ये देखिए, हम जो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हो सकता है, तो हम नहीं मानते जी, गोदी मीडिया का सर्वे, मीडिया भी सच सच तो मोदी वीडियो कोई रास्ता नहीं है भैया। एक मिनट, ऐसा है मध्य प्रदेश में 4 स्टेट तो आ नहीं रही और ना राजस्थान में आ रही, अभी मोदी जी ने एक परसों बयान दिया, कल एक मिनट, 5 साल में सरकार, मोदी जी ने अभी कल परसों एक बयान दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, और पिछली 15 अगस्त को यहाँ भाषण देके गए थे, अगले साल भी झंडा मैं ही फहराऊंगा,
तो भाई इस हिसाब से तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फराएंगे यार। तो फिर इस बार पटेल जी की मूर्ति पे क्यों रिहर्सल करी गई झंडा रिहाने की? कांग्रेस भक्त है वो भी जान रहे हैं कि मोदी ही आएंगे, इनको ही पता है, भले वो भक्त बने हुए हैं तो ये ठीक है ना। नहीं एक और बात है कि कांग्रेस इसलिए है ना ये लोग कर रहे कांग्रेस, ये एक चीज सुन लीजिए, हम ये नहीं बोल रहे कि अगर राहुल गांधी भी आ जाएंगे ठीक है ना, तो ये तो मानना पड़ेगा जो आंख में आंख डाल करके कोई जो और भी देश विदेश लोग हैं जितने भी प्रधानमंत्री हैं पहले आंख दिखाते थे भारत पर, आज वही है ना देश विदेश आग नहीं दिखा रहा है, ये तो मानना पहले प्रधानमंत्री को किसने दिखाई आज तक, किसने दिखाई बताइए, वो भी बता दे। यूएसए है ना हर बार धमकी देता था भारत को जब कांग्रेस की समय थी ठीक है ना, अब आज ही का देखिए, इधर ही देखिए, आज इज्जत के साथ उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, बगल पीछे में है ना हमारे बैठने के लिए दोस्त, साउथ अफ्रीका गए थे ये चीज है ना, सुनिए सर अभी साउथ अफ्रीका गए थे पीएम जी, रिसीव करने नहीं आया था वहाँ का, हम क्या बोल रहे हैं, अब उनका है ना वो आप वहाँ के विदेश के जो प्राइम मिनिस्टर थे चलिए उनसे कोई दुश्मनी, लेकिन एक अपना कट्स तो वो बनाए हैं ये तो मानना पड़ेगा, डंका तो डंका बजा, घंटा बजा है डंका नहीं बजा है, समझ रहे हो, अगर डंका बजा है ना, अगर डंका बजा है ना, शांति सुनो दोस्त, अगर डंका बजा है ना तो उनको बोलो 8 के 8 जवान हमारे वापसी आने चाहिए कतर से, एक तो ये सही बात, एक बात बताइए एक चीज, अभी अभी जो न्यूज में आया तभी तो लोग कतर के बारे में जाने, इसके पहले तो कोई लोग नहीं जानते थे कतर के बारे में, क्या ओवैसी ने उठाया था ये मुद्दा, ओवैसी ने उठाया था थोड़े दिन पहले मुद्दा, ये संसद में उठाया था, उसके बाद उसने कहा था कि कतर में हमारे वीडियो से पकड़ा गया था, वीडियो से मोदी लाल किला में कैसे बोला है जब मैं दोबारा आएंगे, ये मोदी का देश है ना जनता का देश है, जनता जिसको चुनेगा जनता जिसको लाएगा वही आएगा, मोदी कैसे बोल दिया, मोदी कैसे बोला, हाँ मोदी कैसे बोल दिया हम दोबारा आएंगे, हाँ राहुल आएगा दोबारा, यहाँ पर जो है दो हो गए हैं मोदी और राहुल, वी लव इंडिया, वी लव इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है, मोदी सरकार दोबारा आ रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी आएगी जी बिल्कुल, राहुल गांधी आएगा, युवा का ये युवा का युवा नेता चाहिए, वो तो कह रहे 54 साल के युवा, अरे 54 है तो क्या बूढ़े हो गए, मोदी से तो कम उम्र के हैं, हाँ मोदी को लाठी थामेंगे, वो तो लाठी नहीं थामेंगे, अभी अभी तो कांधे से मिला के कांधा चलेंगे, क्या गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो, पढ़ा लिखा भी है, एजुकेटेड भी है, बता रहे मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है भैया पढ़े लिखे हैं, डिग्री नहीं है, अमित शाह ने कह दिया है मोदी जी की डिग्री फर्जी है, फर्जी बोला है, ये पूछ रहा है किस इसको, क्या स्कूल की डिग्री है मेरी, राहुल गांधी जो है युवा नेता है तो बताए मोदी जी जो की डिग्री कौन सी, भैया 54 साल का कौन युवा होता है, 6 साल में रिटायर होने वाला है, वो 6 साल में पेंशन लेगा वो सरकार से, और दूसरा बात मैं बता डिग्री की बात, और डिग्री वो जिस यूनिवर्सिटी पढ़े हैं ना वो खुद बोले हैं उनका डिग्री ऑनलाइन है, जाकर चेक कर लो भाई, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता है, ठीक है भक्त यार भगवान के बारे में नहीं पता, भक्ति करने चले यार, सुनो डिग्री बता, अरे मैं तो फकीर हूँ, वो तो सुर से कह रहे, मैं तो मांगता था खाता था चाय की आय बेची, तो पढ़े कौन से सन में है वो बता दो, कौन से सन में पढ़े, बोलो मांगता था बोलो, ये बता पढ़ी लिखी कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही, चलो मोदी हमारे अनपढ़ है ठीक है, पढ़ी लिखी कांग्रेस ने क्या करा आज तक 70 साल में क्या करा, ये बता मुझे, मोदी कोई नहीं सच बोला कि अनपढ़ है, कहे अनपढ़ अच्छे, एक मिनट रुको बात सुनो मेरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं ना अनपढ़ है,
ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं यार, सुन लो, ये लोग बोल रहे हैं ना अनपढ़ है, अनपढ़ है। जब 70 साल से कांग्रेस पढ़ी लिखी थी उसने क्या नहीं किया करा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या कर लिया ये बता, मैं बता रहा हूँ। पोलियो बीमारी आया था, उनका दवा बनने में 20 साल लग गया था कांग्रेस सरकार में। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, अरे और सुनो मेरे बात को, पैसा लेके टीका मिलता था। अभी भैया एक मिनट मेरा, अभी कोरोना आया, 1 साल में टीका बना, फ्री में लगा। हाँ जब कांग्रेस सरकार आता भैया, भैया कांग्रेस सरकार आता, कांग्रेस की सरकार होती, ठीक है, कांग्रेस की सरकार होती ना, सरकार ने सरकार नहीं बनती भाई भाई, ठीक है। टीकों का जवाब ले लो, टीकों का जवाब ये है कि टीका जिन्होंने बनाया था, टीका जिन्होंने सफल तरीके से बनाया था, वो तो डॉक्टर हर्षवर्धन 20 साल में वो क्यों थे बीजेपी के अंदर, क्यों थे भैया, 20 साल तो लग गए, वो भी तो बीजेपी के ही नेता है हर्षवर्धन जी, फिर 20 साल क्यों लग गए, वो कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस क्यों बताएगी, बीजेपी बताएगी यार, नेता बीजेपी के हर्षवर्धन, अरे तो बीजेपी का नेता नहीं हर्षवर्धन भाई, बीजेपी के रूल से क्या भाई, गजब बात है। आप कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हो? चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ, मैं अच्छा ठीक है ठीक ठीक ठीक, आप कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हो, आप दिल्ली के ही हो, तो फिर दिल्ली के साथ सीटें मोदी को दी क्यों आपने, सेंटर की साथ सीटें मोदी को थी, 345 सीटें और दी, हाँ तो क्या बात है यार, जब वोट ही करने, बोलने से कुछ नहीं होगा, देनी है तो वोट दे, बोलने वाला बोल तो मैं चला जाऊँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सर सर आप बताइए, आपको सुनो सुनो, आप मैं मर्चेंट नेम हूँ, मेरे को पता है कांग्रेस ने कितना क्या किया है, किधर से क्या है, मैं पहली बार इधर गलियों में घूमता हुआ नहीं आया, मेरा पासपोर्ट देखेगा, वही बात कर रहा हूँ यार, मैं वही बात कर रहा हूँ यार, बोलने से क्या होगा, वोट दो ना आप, इधर मैं गुस्सा ये निकाल के चला जाऊँगा इधर, आप ये आप भी निकाल, आपके एक वोट देगा तो भी जीतेगी कांग्रेस, ये भी मैं बोलता रहूँ, मैं चलाता रहूँ, मैं देगा वोट दूंगा वोट दूंगा वोट दूंगा, आपको भी